आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट वन क्वेश्चन। इसके पिछले पहले वाले क्लास में हम लोग यही टॉपिक पढ़े थे, राष्ट्रीय संदर्भ में अध्यापक के विकास हेतु ज्ञानानुशासन एवं विषय के उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय संदर्भ। राष्ट्रीय संदर्भ अर्थात इससे पाने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र के अंतर्गत बेहतर समाज का निर्माण करें। तो हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में बेहतर समाज का निर्माण कब हो सकता है, जब उस देश के नागरिक को विकास होगा। और उस देश के नागरिक का तब विकास होगा जब उसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। तो इसके संबंध में कोठारी आयोग ने भी कहा है कि भारत का भाग्य कक्षा कक्ष में पल रहा है। और उन्होंने भी सिफारिश दिया है कि किसी भी राष्ट्र का बेहतर सामाजिक विकास तब हो सकता है जब उस राष्ट्र में के छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक वो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एक विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि किसी भी राष्ट्र का विकास तब हो सकता है जब उस देश के नागरिकों को साइंस के प्रति बढ़ावा दिया जाए, उस छात्र वहाँ के छात्रों को साइंस के प्रति बढ़ावा दिया जाए और अंधविश्वास को दूर किया जाए। जाति टोना भूत प्रेत इत्यादि अगर जो भी भावना है छात्रों को अंदर से दूर किया जाए। जब तक बच्चा जादू टोना अंधविश्वास कुरीतियों के प्रति जागरूक रहेगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। इन सबों से दूर हटकर एक अच्छे समाज का निर्माण करना होगा। इसके अंतर्गत आते हैं तो उसके बाद फिर राष्ट्र के विकास में ज्ञानानुशासन या विषय निम्न प्रकार से सहायक हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके, यानी कहने का तात्पर्य है छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना पड़ेगा। यानी एक छात्र को अपने लोकतांत्रिक जीवन में कैसे जिया जा सकता है इसके बारे में उसे बताना पड़ेगा कि हर बच्चा स्वतंत्र है, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने का अधिकार है। राजतंत्र में ऐसा नहीं था, लोकतंत्र में हर व्यक्ति जो चाहेगा सो, अगर जो समाज के कल्याण के लिए है और उस व्यक्ति के कल्याण के लिए है तो वो कार्य कर सकता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था। दूसरा है धर्म निरपेक्षता के प्रति सजग कराकर, इसका अर्थ आते हैं कि भारत में बहुत से धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, कोई सिख है तो कोई ईसाई है तो कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है तो कोई बौद्ध है तो कोई जैन है, अलग अलग धर्म को मानते हैं। लेकिन छात्रों एक शिक्षक का दायित्व होता है कि हर छात्रों के अंदर ये भावना विकसित करे कि वह अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म को भी सम्मान करे, ये नहीं कि अपने धर्म को श्रेष्ठ माने और दूसरे धर्म को नीचा माने गलत माने, ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह मानता है तो हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, जब हम लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तीसरा सामाजिक न्याय के प्रति ध्यान दिलाकर, एक शिक्षक का दायित्व होता है कि हर छात्रों को सामाजिक न्याय के प्रति ध्यान दिलाए, उसे क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में उसे बताए। चौथा है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देकर, हमें छात्रों के अंदर ऐसे भाव विकसित
करना चाहिए कि वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता में विश्वास करे, वह ऐसा काम न करे कि हमारे राष्ट्र विद्रोह हो जाए, हम एक दूसरे से लड़े झगड़े, हमारे राष्ट्र का बंटवारा हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। यह कब हो सकता है? हम जानते हैं कि हर देश का भविष्य छात्र होता है और एक शिक्षक अपने छात्रों को ऐसा शिक्षा दे कि हमें अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हम असामी हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, ऐसे भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हम सिर्फ एक इंडियन हैं, भारतीय हैं, हमारे सोच दिमाग में ये बात होनी चाहिए, हर छात्र के अंदर ये बात होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने। शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों को हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उसे संरक्षित रखे, जैसे कि हमारे पूर्वज जो चीज को मानते आ रहे हैं अगर उससे हमारा कल्याण हो रहा है तो उसे विरासत के रूप में रखे, जैसे पूजा पाठ करना, शादी विवाह करना, सामाजिक रूप से शादी विवाह करना, पूजा पाठ करना, बड़े बुजुर्ग को सेवा करना, गरीबों को सहायता करना, ये सब क्या है हमारे संस्कृति और विरासत। जैसे हर क्षेत्र का अलग अलग पर्व त्यौहार होता है, पहनावा होता है, हिंदू को पहनावा होता है, मुस्लिम लोगों का पहनावा होता है, इसके प्रति ध्यान रखना। ये नहीं कि हमें मान लीजिए हम अगर दूसरे धर्म को है, दूसरे धर्म के लोग कोई जैसे हम हिंदू हैं तो हम छठ पूजा मना रहे हैं और मुस्लिम हैं तो ईद मना रहे हैं, तो ये चीज़ देखना है कि दोनों जरूरी है, हिंदुओं के लिए छठ उतना ही जरूरी है जितना मुस्लिमों के लिए ईद, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ जो है हमारे संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, इसे बनाए रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करके। हमें जो विषय या ज्ञान अनुशासन है इसके अंतर्गत एक शिक्षक को हर छात्रों को नैतिक मूल्यों का विकास करना, यानी नैतिक शिक्षा। आज के समय में छात्रों को नैतिक शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखते हैं जितने ही साइंस आगे बढ़ते जा रही है बच्चे अपनी नैतिकता के मूल्य को भूलते जा रहे हैं, अपने माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े को बात नहीं मान रहे हैं, कहीं भी जाते हैं झगड़ा झगड़ करना शुरू कर देते हैं, छोटी सी बात को बर्दाश्त करने की क्षमता उसे नहीं है, न टीचर की बात बर्दाश्त हो रही है उनसे, नहीं समाज से कोई बड़े बुजुर्ग कोई बात कर रहे हैं तो बर्दाश्त हो रही है, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर होता है तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ देखना है कि हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने शिक्षक को बात माननी चाहिए, अपने माता पिता को बात माननी चाहिए, ये सब नैतिक गुण बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों से अवगत कराना। एक शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों को ये समझाए कि हमें राष्ट्र के प्रति क्या कर सकते हैं, ये चीज उनके प्रति होनी चाहिए। जैसे राष्ट्र में मान लीजिए हमारा कोई सार्वजनिक चीज नष्ट हो रहा है तो उसे सुरक्षित करना, कहीं दंगा फसाद हो जाए उसे सुलझाना, या बच्चे किसी से झगड़ा न करे, किसी संपत्ति राष्ट्र संपत्ति को नष्ट न करे, अपने सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अंधविश्वासों कुरीतियों एवं गलत रिवाजों को दूर करके। शिक्षक का दायित्व होता है कि छात्रों को ये समझाए कि उन्हें अंधविश्वास को भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे जादू टोना भीम प्रेत तंत्र मंत्र पर ज्यादा ध्यान न देकर वह साइंस की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे, उसके कुरीतियां जैसे कुरीतियां में हमारे अंतर्गत आता है बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, ये जो था उससे क्या होता था पहले जमाने में अगर एक स्त्री के पति मर जाते थे तो उसे क्या किया जाता था, उसे चिता पर उसको भी जला दिया जाता था, ठीक है। ऐसे जो रिवाज है उसे दूर किया जाए। चलिए नेक्स्ट पर छात्रों में वैज्ञानिक भाव विकसित कराकर। राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब छात्रों में वैज्ञानिक भाव विकसित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारियों को विकसित करके। एक
शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों में सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेवारियां विकसित हो, यानी सामाजिक कर्तव्य क्या है, राजनीतिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी बताना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आ रहा है प्राकृतिक संसाधनों एवं राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित करके हर बच्चा को प्राकृतिक संसाधन जैसे कि नदी, तालाब, ब्रिज, ये सब को ऐसे संसाधन है उसे सुरक्षित रखे। राष्ट्र संपत्ति जैसे जो भी सरकारी संपत्ति है उसे नष्ट न करे, जिससे जैसे रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं रेल तक टूटते हैं या उसके बाद रेलवे की संपत्ति क्षत करते हैं या किसी भी सरकारी विभाग की जो संपत्ति है उसे नष्ट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेष आवश्यकता वाले तथा दिव्यांगों का मदद करते। हमें अपने राष्ट्र का विकास तभी कर सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बचिया नहीं दिव्यांगों को मदद करते। अगर हम जब तक हमारे देश के हर नागरिक खुशहाल नहीं रहेगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। अर्थात हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय संदर्भ यानी राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब उस देश के नागरिक का विकास हो रहा है। और एक नागरिक सबसे पहले वहाँ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय में एक शिक्षक का दायित्व होता है कि हर बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त दिया जाए और उसे जब बच्चा एक अच्छा नागरिक हो जाएगा तो वह अच्छा कार्य करेगा। जब अच्छा कार्य करेगा तब ही जाकर एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। थैंक यू।